इजाफी ही है। हाँ, हमारी उर्दू की मजबूरी है, उर्दू जुबान की मजबूरी है कि उसमें हम उस मुरकब इजाफी का तर्जुमा उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह के हम दूसरे जो सादा मुरकब इजाफी है उनका तर्जुमा करते। क्लियर है मेरी बात? अब हम चलते हैं वजीर जी, अब सवाल जी। जो मुजाफ लाया है जी जी, यानी कि ये नकरा में जमा नहीं आ सकती, नकरा की आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन ये खास एक मफहूम देने के लिए मैंने आपके सामने कंस्ट्रक्शन रख दिया ना। अगर अलिफ लाम के बगैर मारफा हो तो भी इसी तरह आए, अगर अलिफ लाम नहीं दाखिल करते हैं और मारफा हो। एग्जांपल दे। मतलब जैसे जायद हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी, कुल्लू जैद जी, जैद के तारे के बारे में तो क्या तर्जुमा किस तरह करेंगे, जैद का कुल। हां, मतलब इसी सेंस में पूछा तो फिर अलिफ लाम के बगैर तो चल सकता है इस तरह। हम बिल्कुल देखिए, असल में ये है कि कंस्ट्रक्शन हमारे सामने कोई ऐसी आ जाए ना, ये भी यहाँ पर जरूरत इसलिए पेश आई है कि दो अहदीस आपके सामने आई थी, यानी मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं अभी इस हदीस को ना ही कोट करता शुरू में आपके सामने और सादा सादा मतलब इजाफी लेके चल पड़ते। लेकिन चूंकि जिक्र हो गया था और मैं पिछले लेक्चर में आपको कह चुका था कि कुल के हवाले से मैं आपको मजीद कुछ बातें बताऊंगा, तो वो इसलिए मैंने बता दी। तो आपके सामने कोई टेक्स्ट में ऐसी चीज आती है एग्जांपल के तौर पे, तो फिलहाल हम उस पे गौर करेंगे कि ऐसी कंस्ट्रक्शन हमारे सामने आ रही है। अगर आ रही है तो हम उसमें जो पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक गौर करेंगे। अगर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन हमारे सामने आ जाती है कुल दिन, अब वो बनती है या बन सकती है ये सारी बातें इसको छोड़ देते हैं। अगर कोई बनी हुई आ गई है तो उस पर गौर कर लेंगे पढ़ेंगे जी। इसके अलावा कुल के अलावा भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ ये माशाल्लाह, ये सवाल अच्छा है कि कुल के अलावा भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इसी तरह इस्तेमाल होते हैं जिनका तो जो हम का के इनके साथ नहीं करेंगे। तो बस इसमें एक लफ्ज है बास, बास का लफ्ज भी मुजाफों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे बाजुत्तुलाबी, बास तलबा, ठीक है, बास तलबा। लेकिन जिसने हमने कहा ना कुल्लू तुलाबी, तमाम तलबा, अब अगर मैं इसको कहूं बाजुत्तुलाबी तो इसका तर्जुमा होगा बास तलबा, बास तलबा। इसी तरह एक लफ्ज और है अक्सर, हम कहते हैं अक्सर तलबा, तो अरबी जुबान में अक्सर का लफ्ज है ये भी मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अक्सरुत्तुलाबी, अक्सर तलबा। क्लियर हो गया? तो ये कुल, बास, अक्सर। अब देखिए अक्सर तलबा जब मैं उर्दू में बोल रहा हूं तो आप इसे कभी मुरकबे इजाफी मानने को तैयार नहीं होंगे। मैं बास तलबा बोल रहा हूं तो आप इसको मुरकबे इजाफी नहीं, आप कहेंगे मुरकबे इजाफी की पहचान तो काके की है। मैं कहता हूं तमाम तलबा तो आप कहेंगे इसमें काकी कहीं मुरकबे इजाफी है नहीं। लेकिन अरबी में इन कंस्ट्रक्शन को मुरकबे इजाफी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया? मेरा ख्याल है इतना ही काफी है इसके हवाले से। अब अपने सफर की तरफ जो है वापस चलते हैं। अभी तक हमने जो मुरकब इजाफी बनाए हैं उसमें हमने मुजाफ और मुजाफ इलैह को वाहिद इस्म ही इस्तेमाल किया, ना हमने मुजाफ इलैह को मुसन्ना इस्तेमाल किया, ना मुजाफ को मुसन्ना इस्तेमाल किया, ना ही हमने मुजाफ इलैह को जमा इस्तेमाल किया और ना ही मुजाफ को जमा इस्तेमाल किया। तो अब हम वो कंस्ट्रक्शन करेंगे जिनमें हमारा मुजाफ और मुजाफ इलैह वाहिद से हटकर मुसन्ना इस्तेमाल हो रहा है या जमा इस्तेमाल। उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख लेता हूं। देखिए अब डायरेक्ट मैं अरबी का सेक्शन ही रख रहा हूं, उसके हवाले से हम उसका मुसन्ना और जमा बनाएंगे। बस मैं कहता हूं बैतुल मुस्लिम, क्या तर्जुमा इसका बैतुल मुस्लिम, मुसलमान का घर, बैतुल मुस्लिम मुसलमान का घर। अब मैं बनाना चाहता हूं दो मुसलमानों का घर, दो मुसलमानों का घर, घर एक ही है लेकिन दो मुसलमान है, तो मुजाफ वाहिदी है, मुजाफ वाहिदी है, वो बैतू ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मुजाफ इलैह जो है वो मुसन्ना आ गया, ठीक, फॉलो कर रहे हैं ना जी। दो मुसलमानों का घर मैं कर रहा हूं ना, दो मुसलमानों का घर। तो अब अल मुस्लिमी
एक मुसलमान और दो मुसलमान, यानी दो मुसलमान के अभी मुसलमानी है ना, लेकिन मुजाफिलाई से कब इस्तेमाल होगा तो हम उसकी हालत में जैन इस्तेमाल करेंगे और वो क्या होगी मुस्लिम बही। माशाल्लाह बस इतनी सी बात थी, तो हम ये कहेंगे बैतुल मुस्लिमैनी, बैतुल मुस्लिमैनी, दो मुसलमानों का घर। तो यहां पर मुजाफिला वाहिद है, यहां पर मुजाफिला मुसन्ना हो गया। अब तीसरी कंस्ट्रक्शन जब हम बनाएंगे, यहां पर मुजाफिला को जमा रख के बना लेते हैं, यानी मुसलमानों का घर, तो क्या बनेगी कंस्ट्रक्शन? बैतुल मुस्लिमीना, बैतुल मुस्लिमीना। अब यहां पर वो चार्ट जो आपको दिया गया है उसकी जरूरत पड़ती है कि वाहिद इस्म का इराब कैसे शो किया जाता है, मुसन्ना इस्म का इराब कैसे शो किया जाता है, जमा अगर सालिम है मुजक्कर है तो उसका इराब कैसे शो किया जाता है, जमा सालिम अगर मुअन्नस है तो उसका इराब कैसे शो किया जाता है। तो बैतुल मुस्लिमी, बैतुल मुस्लिमैन, बैतुल मुस्लिमीना। अब यहां पर मुस्लिम मुजक्कर है, हम मुस्लिम मुअन्नस रखकर तीन कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। जी अस्लाम, आप मुसलमान यानी मुजाफ ले जो आपका मुअन्नस होना चाहिए बैतुल मुस्लिम आदि, माशाल्लाह। बैतुल मुस्लिमती, मुसलमान मुअन्नस का घर। अब दो मुसलमान मुअन्नस का घर बनाना चाहता हूं, क्या बोलेगा शाहरुख? बैतुल मुस्लिमतैन, बैतुल मुस्लिमतैन, दो मुसलमान मुअन्नस का घर। अब मैं कहना चाहता हूं मुसलमान मुअन्नसों का घर, बैतुल मुस्लिमाती, बैतुल मुस्लिमाती। अरे नाम लगा है ना, अरे नाम लग गया तो फिर तमीज चली गई, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए छह कंस्ट्रक्शन आपको इंशाल्लाह ये बात समझाने के लिए कर, ठीक हो गया? अच्छा, अब इन छह कंस्ट्रक्शंस को हम रखते हैं, ये तो मुसलमान का घर किया ना हमने, मुसलमान की किताब के साथ इन छह के छह कंस्ट्रक्शंस को हम पूरा करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। किताबुल मुस्लिमी, किताबुल मुस्लिमी, किताबुल मुस्लिमैनी, किताबुल मुस्लिमैनी, किताबुल मुस्लिमीना, किताबुल मुस्लिमीना, किताबुल मुस्लिमती, किताबुल मुस्लिमती, माशाल्लाह, किताबुल मुस्लिमतैनी, किताबुल मुस्लिमतैनी, किताबुल मुस्लिमाती, किताबुल मुस्लिमाती। यानी इन छह एग्जांपल्स में आपका मुजाफ इलैह जो है वो वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस, जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस आपके सामने, ठीक है? अब जमा मुकस्सर एग्जाम्पल के साथ रख लेते हैं। हमने कहा बैतुल मुस्लिमी, यहां पर मैं कर लेता हूं बैतुल वलादी, लड़के का घर। तो जी फॉर्म बैतुल वलादी, बैतुल बैतुल वलादैनी, माशाल्लाह, बैतुल वलादी। अब वलद की जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है, तो बैतुल औलादी, जब मुकस्सर कह रहा वाहिद इस्म की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये बातें बार 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 आपके सामने आ रही हैं, चार बार सामने रखेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, आपकी रेगुलरिटी। अरबी के हवाले से मैंने आपको पहले दिन खास तौर पर कुछ बातें जो बताई थी कि अगर आप इसको सिर्फ वाकई सही माना में फायदा उठाना चाहते हैं तो ये चंद चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है। एक तो छुट्टी तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, ये छुट्टी कर ली तो आप समझे के पीछे चले, एक लेक्चर आपका मिस हो जाता है। तो मैंने कहा था ये लिंक लैंग्वेज है, इसमें एक से एक चीज आगे मिली हुई है और आपका कोई लिंक मिस है या कमजोर है तो जब तक वो पक्का नहीं होगा या पूरा नहीं होगा
आपको आगे समझने में मुश्किल पेश आएगी, और जब मुश्किल पेश आएगी तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे कि यार मुश्किल, ठीक है नहीं। और हमारा हमारी आपको पता है आदत यह कि कसूर फिर यानी वो अरबी जुबान के निकलता है कि है मुश्किल जुबान, यानी हम अपनी गलती मानने को तो कभी तैयार होते ही नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मिस ना करें लेक्चर। कि चार माह, चार मुझे याद है किसी में जब होते थे हम तो हमारे दिन कहा करते थे कि ये 2 साल लगा लो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, ये था ना। यानी इस पे तमाम वालिदैन का इजमा है, यानी सब वालिदैन ऐसे करते हैं, ऐसे है ना। अब यानी वो जिंदगी बन जाएगी क्या, मतलब दुनिया बन जाएगी। लेकिन यकीन माने ईमानदारी से मैं कहता हूं, ये 4 माह लगा, 4 माह पूरे आप लागे जिंदगी में। एक कौन सी जिंदगी? असल जिंदगी, असल जिंदगी। इसके लिए जाहिर है कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि आपके सारे काम भी होते रहें और आप ये सब कुछ भी आ जाए, ऐसा मुश्किल मुश्किल है। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बान जो है जरूर करना पड़ेगा। अपनी तमाम दूसरी चीजों को यानी प्रायोरिटीज जो भी है आपकी, वो आपको पीछे करनी पड़ेगी। इसे प्रायोरिटी देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला आपको आपकी मदद जरूर करेगा इंशाल्लाह। तमाम जहानों का रब, आगे कंस्ट्रक्शन देखिए आपके सामने आ गया। अब आप रब आपका मुजाफ और अल आलमीना मुजाफ लिया, और अल आलमीना ईना साउंड है तो जमा साले मुजफ्फर के साउंड है, ठीक। इसका और भी कंस्ट्रक्शन है लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब आपको मुजाफ की जगह पर जो है वो यहां पर हमने मुजाफ इलैह को वाहिद मुसन्ना और जमा रखा, अब मुजाफ को जो है वो मुसन्ना और जमा बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। हमने बात की थी किताबुल वलदी, लड़के की किताब। अब मैं कहना चाहता हूं लड़के की 2 किताबें, लड़के की 2 किताबें। अब यहां पर देखें लड़का यानी मुजाफ है एक ही है, लेकिन जो मुजाफ है वो दो मुसन्ना आ गए, यानी किताब दे 2 किताबें। अब 2 किताबें जो है उसकी अरबी हमारे पास क्या होती है, किताबानी। हमने जो सीखा था कि वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाते हैं, ये अब हमें फायदा हो रहा है उसका। अब किताब आगे मुसन्ना लफ्ज में मुजाफ की जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूं, मुजाफ की जो 2 शरायतें वो क्या है कि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और इस पर इराब हल्का होता है, और इराब हल्का से क्या मुराद है, अस्मा की वो कैटेगरी जिन पे तनवीन आती है तनवीन हट जाती है, और मुसन्ना और जमा का सालिम मुजक्कर का नून ड्रॉप हो जाता है, तो इसका नून ड्रॉप हो जाएगा तो ये रह जाएगा किताब और मुजाफ इलैह जो है वो हमारा वाहिद का वाहिद है। तो ये अलग अलग पढ़े तो किताबा अल वलदी, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा किताबल वलदी, क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए यहां पर अलिफ भी खाली है और लाम भी साकिन है, तो इसको किताबाल वलदी नहीं पढ़ेंगे आप, इसको आप बा की जबर को लाम साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे किताबल वलदी, क्लियर हो गया। लड़के की 2 किताबें। अच्छा जी, अब इस कंस्ट्रक्शन को इधर सामने रख के मजीद कुछ बना लेते। मैं कहता हूं जैद की 2 गाड़ियां, जैद की 2 गाड़ियां जी, अस्यारतल जैद दी। हाँ जी, आपने 2 गलतें की, मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करना था वहां कर दिया सही है, और मुजाफ इलैह की तनवीन बगैर अलिफ लाम के दाखिल कर, जैद की 2 गाड़ियां जी दानिश, सैयारता जैद की 2 गाड़ियां।
ठीक। अच्छा जी असलम, मैं कहता हूं हामिद के दो घर, बैता माशाल्लाह बैता हामिद बिन, हामिद के दो घर, क्लियर हो गई ना आपकी मुश्किल तो नहीं पेश आई। अब देखिए यही जो हमने मुरक्कबे राही बनाया कि नहीं हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते, बस मैं कहता हूं जैद की दोनों गाड़ियां खूबसूरत है, जैद की दोनों गाड़ियां खूबसूरत है, या जैद की दोनों गाड़ियां चले खूबसूरत कर लेते हैं, फिर नई बात में सब लाएंगे, जैद की दोनों गाड़ियां खूबसूरत है, मुफ्ता खबर टाइम करें, मुफ्ता क्या खबर क्या है, जैद की दोनों गाड़ियां खूबसूरत हैं, इस पूरे जुमले में मुफ्ता क्या, अच्छा जैद की दोनों गाड़ियां ना खाली जैद मुफ्ता, ठीक हो गया, जैद की दोनों गाड़ियां आपका मुफ्ता हो गया, यानी जो हमने बनाया सही आ रहा था जैदिन, ये हम मुफ्ता की जगह पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि हम हमने रफा में कंस्ट्रक्ट किया, अब खबर आ रहे हैं खूबसूरत है, खबर लग रहा होती है जमील अब्दुल, फिर दो गाड़ियां ना जमीला तानी मुब्तदा और खबर में जिंस और अदद के एतबार से मुताबकत होती है, सही यार आता और मरकब में असल हैसियत मुजाफ का, सिर्फ इसमें जो मरकब है इसमें ज़ैद एक है किताबें दो हैं उधर लेकिन मुब्तदा और खबर में मुताबकत होती है, हमारी मुब्तदा में एक चीज दो है और एक मैं इसको पूरा लिखता हूं, सही यार आता ज़ैदिन जमीला तानी, क्लियर। अच्छा अब देखें असल में मुरक्कब इज़ाफ़ी में देखें असल कौन है, मुज़ाफ़, दोनों गाड़ियां खूबसूरत है ना, दोनों गाड़ी ज़ैद क्यों आया बीच में, दोनों गाड़ियों का ताल्लुक उन ज़ैद से कायम कर रहे हैं, असल तो खूबसूरत गाड़ी है दोनों, मुब्तदा अगर देखें आप हाँ इस दो गाड़ियों को सिर्फ हमने निस्बत दिया जाए, जैद गाड़ी दोनों किसकी है, बात तो गाड़ियों के लिए, लिहाजा उसको हमने फोकस करना है, उसके मुताबिक हमने खबर लानी है, उसी को जेंस और अदर के पास देखना है, तो सही आ रहा था ज़ैदिन जमीला था, ज़ैद की दोनों गाड़ियां खूबसूरत है जी, ज़ैद की दोनों गाड़ियां नहीं है, सही आ रहा था ज़ैदिन जदीदा दोनों घर, हामिद के दोनों घर नए हैं जी असलम, हामिद के दोनों घर नए हैं, मुफ्ता खबर का टाइम करते हैं, मुफ्ता क्या है, हामिद के दोनों घर जो सर ये मुफ्ता हो गए नहीं नहीं ये खबर होगी जी माशाल्लाह, बैता हामिदिन बैता हामिदिन जदीदान, ठीक हो गए जी डॉक्टर साहब, जुमला आसान सा है, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अल्लाह के रसूल हैं, इब्राहिम व इस्माइल जी मैं तो मुत्तला पूरा कर लूं पहले, मुत्तला इसमें क्या है, इब्राहिम व इस्माइल व इस्माइल रसूलुल्लाह जी रसूलुल्लाह माशाल्लाह बस पहुंच रहे हैं, बस करीब हो गए, रसूलाल माशाल्लाह रसूलानी था दो है ना, रसूलानी और रसूलानी का मुजाफ बनकर आएगा तो नून रा हो जाएगा रसूला और मुजाफ मिला अल्लाह ही, अब मिला के पढ़ेंगे रसूल अल्लाह, इब्राहिम व इस्माइल रसूल अल्लाह, क्लियर है, तो किताब अल वलदी किताब अल वलदी और इसको पूरा कर ले
लड़कों नहीं लड़के की किताबें, लड़के की किताबें। अब किताब एक किताब, किताबानी दो किताबें, और किताब की जमा क्या आती है? कुतुब। ठीक है, कुतुब। तो वो कुतुब का लफ्ज जब हम मुजाह बना कर लाएंगे तो अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर कुतुब और अल वलदी, कुतुबुल वलदी लड़के की किताब। क्लियर हो गया? इसको मैं आज यहां पर खत्म करना चाह रहा हूं, इसलिए एक लाइन में और लिखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह हम मतलब इजाफी में समाया को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो कोई बहुत अहम टॉपिक है आपका। जी कंस्ट्रक्शन, मक्का का मुसलमान, मक्का का मुसलमान, मुस्लिमों मक्का तीन मक्का तीन मक्का का मुस्लिमों मक्का ता मक्का का मुसलमान। ठीक है, मक्का हमारे घर में है, क्यों? गैर मुस्लिम इसमें, और गैर मुस्लिम इसमें जो है हमारे घर में ज़ेर कबूल नहीं करता इल्ला अलफ़नामा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं कहना चाहता हूँ जी मक्का के दो मुसलमान, जी इस्लाम मक्का के दो मुसलमान मुस्लिमानी चले नून नून लगा के मिटाते हैं ताकि पैदा करता हो जाए मक्का पर इस्लाम लगा के भी देख लेंगे मक्का पर इस्लाम लगा के भी देख लेंगे वो ताकि वो भी प्रैक्टिस हो जाए कि आज नहीं वो पता नहीं कैसे मैं मक्का पर इस्लाम अरब दाखिल की तरफ तो माफ करना उसे इसलिए नहीं किया मुस्लिमान मक्का। अब मैं कहना चाह रहा हूं मक्का के मुसलमान मुस्लिमों मुस्लिमानी और जमा क्या है उसकी मुस्लिमूना मुस्लिमी यल मक्का मुस्लिमू मुस्लिमू अच्छा जमा ठीक मुस्लिमू मुस्लिमूना का मुस्लिम हटा देते मुस्लिमू मुस्लिमू मक्का। अब अगर मक्का की मुसलमान मक्का की मुसलमान की बता रहा है कि मुसलमान जो है मोहनस है तो क्या कर सकते बनेगी जी मुस्लिम मक्का था मुस्लिम मक्का था मुस्लिम तू मक्का। ठीक हो गया मेरी काफी अब ये आप पर है आप प्रैक्टिस करें टाइम निकालें थोड़ा सा उस सेक्शन जो है खुद लिखे बनाए जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है वो मददगार साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ जरूर करते रहे कि तबीय सिर्फ भला तो सिर्फ मतलब भी फिर खैर चार माह का कोर्स है जिससे एक माह आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है पता नहीं चला एक माह का इंशाल्लाह ताला तीन माह जो है ये भी गुजर जाएंगे और अपनी पूरी जिंदगी में से कुरान के लिए या उसकी जुबान सीखने के लिए चार माह निकालना समझता हूँ कि मुश्किल काम नहीं है। हाँ लेकिन अल्लाह की तौफीक से है तो उससे तौफीक मांगते रहा करें अल्लाह ताला हम सबके लिए जो आसानी बताए सुभानकल्लाहु व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। ये फीडबैक फॉर्म किसी का रहता है बाकी तो और करें और आपने कर दिया ना मैंने तो एक कॉन्सेप्ट